हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने मंदिर आए हुए हैं। ये बहुत ही नज़दीक मंदिर है हमारे घर के और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा ये मंदिर बनाया है। काफ़ी बड़ा है और ये बाबा प्रकाशपुरी के नाम से फेमस है। और ये देख सकते हैं, नंदी जी हैं, ये काफ़ी बड़ी इनकी प्रतिमा बना दी है। बहुत बड़े नंदी बनाए हैं ये। और इस तरह से चलते हुए देखेंगे साइड में तो उधर शंकर जी भगवान जी की एक स्थापना रखी हुई है, मूर्ति रख दी है, तो ये भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। और उधर मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है, जगह जगह पे हर भगवान जी के मंदिर बना दिए इस तरह से। तो जैसे ये देखें, यहाँ पर वरुण देवता जी का मंदिर बना दिया है, इसी तरह से और सभी भगवान जी के अलग 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 इस तरह से मंदिर बना दिए, क्योंकि कि काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ है, तो सभी भगवान एक साथ नहीं बिठा ले हैं इधर, अलग अलग उनका उनको स्थापित किया गया है। और साइड में इस तरह से झील बना दी है, वो झील के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियां हैं, तो बच्चे मछलियां देखने के लिए और आते हैं इधर, उनको बड़ा अच्छा लगता है मछलियों को देखना, तो इसीलिए। और ये देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर है, वरुण देवता जी का मंदिर है ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं इधर, और मन को बहुत शांति मिलती है इधर आने से। तो आप देखिए और इसको एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। और बीच बीच में आपको मैं बताती रहूँगी कि कहाँ पर क्या है इधर इसके अंदर। ये नदी है, शंकर जी के नदी की प्रतिमा बनाई है, बहुत बड़ी मूर्ति है ये, बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। और इसके सामने ही विष्णु शंकर भगवान जी का बना दिया है मंदिर, बहुत बड़ा। तो मंदिर के अंदर वीडियो बनाना या फिर फोटो शूट करना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने वहाँ शूट नहीं किया। और ये गार्डनिंग है इधर, देख सकते हैं हर तरह की इधर, बहुत सुंदर लगता है हरियाली जगह जगह पर, और बहुत सारे इधर पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं सुंदर सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं जगह जगह पर हर भगवान जी के अलग अलग मंदिर बना दिए हैं, आश्रम भी कह सकते हैं इसको, यहाँ गुरु जी भी रहते हैं, गुरु जी ने अपना आश्रम बनाया हुआ है। तो ये रसोई है, तो यहाँ जब भंडारा होता है तो इस रसोई में प्रसाद बनता है। और ये गुरु जी हैं, उनका यहाँ गुरु जी का ये आश्रम है, तो यहाँ पर गुरु जी विराजमान हैं।